शुभ प्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है प्रत्यय। पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय पढ़े थे, जिसमें हमने तव्यत प्रत्यय, अन्यत प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय पढ़ा था। आज हम शुद्ध प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। शुद्ध प्रत्यय का परस्मैपदी धातु में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्रत्यय का अत शेष रहता है। शुद्ध प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, परस्मैपदी धातु में होता है और इसका अत शेष रहता है। शुद्ध प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में पठक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। उदाहरण देखेंगे, अर्च धन श्रुत, श्रुत में अत शेष रहता है तो अर्च धन अत तो अर्चत, और इसके रूप अर्चन न, न भी चलेंगे पटत के ने जगत के समान, इसलिए पट धन श्रुत, पट धन अत, क्योंकि श्रुत का अत शेष रहता है इसलिए अत बनता है तो पठत शब्द बनता है या पठन शब्द बनता है, इन दोनों में से एक शब्द बनता है। हस धन श्रुत, हस धन अत, श्रुत का अत शेष रहता है तो हसत शब्द बनता है या हसन शब्द बनता है। राम धन श्रुत, राम धन अत, सॉरी यहाँ राम नहीं आएगा, गम आएगा, गम धन श्रुत, गम धन अत गच्छत, गम में गच्छ शब्द धातु बनती है तो गच्छत शब्द बनेगा और गच्छन शब्द बनेगा। अगला है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय वर्तमान काल में हुआ अर्थ में बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। सानच प्रत्यय का आत्मनिपदी धातु में प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, आन और मान भी शेष रहता है। आन स्वर शब्दों के लिए और मान व्यंजन शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। सानच प्रत्यंत रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रम्मा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे सेव धन सानच, सानच में मान शेष रहता है तो सेव धन मान, सेव मान। अद धन सानच, सद धन सानच, सद मान, सद मान। वृद्ध धन सानच, वृद्ध धन सानच का मान शेष रहता है तो वृद्धमान। वृत्त धन सानच, वृत्त धन मान सानच में मान शेष रहता है तो वृत्तमान शब्द बना। अगला है तर प्रत्यय। दो में से किसी एक की विशेषता या हीनता बतलाने के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो पुरुषों में किसी एक की विशेषता या हीनता बताने के लिए तर प्रत्यय का प्रयुक्त किया जाता है। तर प्रत्यय में तर शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे पटु धन तरप, तो इसके पुल्लिंग में पटुतर शब्द बना, स्त्रीलिंग में पटुतरा शब्द बना और नपुंसकलिंग में पटुतरम शब्द बना। लघु धन तरप, लघुतर पुल्लिंग में, लघुतरा स्त्रीलिंग में और लघुतरम नपुंसकलिंग में। कृष्ण धन तरप, कृष्णतर पुल्लिंग रूप, कृष्णतरा स्त्रीलिंग रूप और कृष्णतरम नपुंसकलिंग रूप। मधुर धन तरप, मधुरतर पुल्लिंग रूप, मधुरतरा स्त्रीलिंग रूप और मधुतरम नपुंसकलिंग रूप। श्रेष्ठ धन तरप, श्रेष्ठतर पुल्लिंग रूप, श्रेष्ठतरा स्त्रीलिंग रूप और श्रेष्ठतरम नपुंसकलिंग रूप। चतुर धन तरप, चतुरतर पुल्लिंग रूप, चतुर्तरा स्त्रीलिंग रूप और चतुर्तरम नपुंसकलिंग रूप। ये है तरप प्रत्यय। अगला है तमप प्रत्यय। बहुतों में से किसी एक की विशेषता या हीनता बताने के लिए धातु में तरप तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय में बहुत से व्यक्तियों में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए या हीनता बतलाने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है। तमप प्रत्यय का रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। पटु धन तमप, पटुतम पुल्लिंग रूप, पटुतमा स्त्रीलिंग रूप और पटुतमम नपुंसकलिंग रूप। लघु धन तमप, लघुतम पुल्लिंग रूप, लघुतमा स्त्रीलिंग रूप
और लघु तमम नपुसक लिंग रूप, दृढ़ तन तमप दृढ़ तम पुल्लिंग रूप, दृढ़ तमाप स्त्रीलिंग रूप और दृढ़ तमम नपुसक लिंग रूप, कृष्ण धन तमप कृष्ण तम पुल्लिंग रूप, कृष्ण तमा स्त्रीलिंग रूप और कृष्ण तमम नपुसक लिंग रूप, श्रेष्ठ दम तमप श्रेष्ठतम पुल्लिंग रूप, श्रेष्ठतम स्त्रीलिंग रूप और श्रेष्ठतम नपुसक लिंग रूप, चतुर्दन तमप चतुर्थम पुल्लिंग रूप, चतुर्थम स्त्रीलिंग रूप और चतुर्थम नपुसक लिंग रूप। ये है प्रत्यय। अब आपका है होमवर्क, सत प्रत्यय के ये चार नियम लिखने हैं और ये उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करना है। सानच प्रत्यय के नियम लिखने हैं, सानच प्रत्यय के ये उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तरप प्रत्यय के ये नियम लिखने हैं और ये उदाहरण करने हैं। फिर तमप प्रत्यय लिखना है, फिर इसके नियम लिखने हैं और ये उदाहरण आपको अपनी नोटबुक में करना है। मत्तु प्रत्यय आपके कोर्स में नहीं है। धन्यवाद।